हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम फिर हाजिर अपने एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, तो मैं बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन का आज जूस। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सामग्री लगेगी। तो चलिए आइए। ये मैं तरबूज ले ली हूँ थोड़ा सा, और ये मैंने सादा नमक ले लिया है छोटे चम्मच, और ये मैंने आधा नींबू ले लिया है नींबू का रस, और थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है, और ये काला नमक ले लिया है, और ये मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक मिक्सी की जार लेते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें पीसना शुरू करते हैं। सब ये देखिए, सारे तरबूज मैं इसमें डाल दे रही हूँ अच्छे से। और ऐसा सादा नमक जो ली है इसको मैं डाल दूँगी। उसके बाद ये नींबू का रस मैंने जो लिया है इसको भी पूरा डाल दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला जो है मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी, और ये अब थोड़ा सा काला नमक भी इसमें डाल दूँगी जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैं मूंग की पत्तियाँ डाल दूँगी और कुछ रखूँगी थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए भी। ये हो गया, अब चलिए इसको हम पीसते हैं। चलिए इसका जूस अच्छे से बन गया, इसको ओपन करते हैं। और मैंने ये देखिए बहुत ही यम्मी, और इसको अब मैं एक बर्तन और एक छलनी की मदद से इसको मैं छान लेती हूँ। इसको बहुत ही अच्छे से देखिए देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैंने छान लिया है। अब इसको चलिए आइए गिलास में अच्छे से निकालते हैं। ये देखिए मैंने गिलास ले लिया है, और इसमें मैंने ये तरबूज जो है मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, इसको मैं कुछ इसमें डाल दूँगी अच्छे से। उसके बाद ये थोड़ा सा काला नमक जो है मैं इसमें डाल दूँगी। फिर उसके बाद आइस के टुकड़े जो हैं कुछ मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद ये जो सारी जूस है, वाओ, फिर उसके बाद ये जो मैं तरबूज के टुकड़े कट की हूँ इसको मैं ऊपर से अच्छे से पूरा उसके बाद मिंट के जो पत्ते हैं इसको मैं ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। ये देखिए हमारा बनके जूस एकदम रेडी हो गया है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।